भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मोह भंग होने लगा हुड्डा गुट के खास नेताओं का। हुड्डा गुट के खास नेता कहीं कुमारी शैलजा का साथ लिए हुए हैं तो कहीं किरण चौधरी का। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खामियाजा इस तरह का भुगतना पड़ेगा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के खिलाफ जितने भी गुट हैं वो अपना जो कार्य है भूपेंद्र हुड्डा के विरुद्ध वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। अब बात आती है नेताओं को इकट्ठा करने की, तो कुमारी शैलजा में नेताओं को भविष्य नजर आने लगा है राजनीति का। जो जो चुनाव नजदीक आता जा रहा है हरियाणा के नेताओं की धड़कनें तेज होती जा रही है और अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में भागदौड़ शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हुड्डा गुट को उस समय बड़ा झटका लगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे खासमखास नेता जयप्रकाश उर्फ जेपी, जो भव्य बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उपचुनाव हुए थे आदमपुर हल्के के अंदर, जयप्रकाश उर्फ जेपी के भाई पूर्व विधायक रणधीर धीरा कुमारी शैलजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए। रणधीर धीरा भूपेंद्र हुड्डा गुट में खासम खास माने जाते हैं, लेकिन अचानक से उनका यू पाला बदलना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि राजनीतिक सूत्रों की माने तो ये सब रणधीर धीरा अपने भाई जयप्रकाश उर्फ जेपी की सलाह पर ही कर रहे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा गुट में उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे में दूसरा विकल्प को खुला रखने के लिए जयप्रकाश उर्फ जेपी ने अपने भाई धीरा को शैलजा गुट में एंट्री दिलाई है और शैलजा द्वारा किए जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए और शैलजा गुट का साथ देने के लिए भी गुप्त जो चर्चा है कुमारी शैलजा के साथ रणधीर सिंह धीरा ने की है। आपकी क्या राय है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस हाईकमान है, कोई अलग चेहरा उतारने के उत्सुक है? मनेरे चैनल के साथ मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।